दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के वीडियो में। ये देखिए एक XRP की पावर सप्लाई है, आप इसके ऊपर देख रहे होंगे इसका मॉडल नंबर क्या है, इसके वोल्टेजेज क्या है। 380 12 प्लस 36, इसका 380 रहता है जो इग्निटर के लिए जाता है, देखिए यहाँ पर आएगा, और 36 यहाँ है और ये 12 वोल्ट है। तो इस तरह से इसकी सप्लाई रहती है। तो इसको रिपेयरिंग के लिए आपके पास आए तो सबसे पहले क्या देखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है आपको। अगर ये पावर सप्लाई आपके पास आती है तो सबसे पहले इसके फ्यूजेज वगैरह चेक करें। अगर फ्यूज वगैरह इसका ओपन है, इसका मतलब आगे कुछ शॉर्टिंग होगी, तो आपको शॉर्टिंग चेक करना है। तो सबसे पहले इस फिल्टर कंडेंसर पे आप शॉर्टिंग चेक करेंगे, जो मेन फिल्टर है इसका। पहले कंडेंसर से आपको यहाँ पर पार्ट्स बता देते हैं कौन सा किस लिए है। ये देखिए ये जो फिल्टर है, मेन फिल्टर है, इसके ऊपर सबसे पहले सप्लाई आती है 300 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आता है। उसके बाद आपके SNPS वर्क करता है, और ये सप्लाई जब आउटपुट यहाँ पे आती है तो यहाँ पे 380 वोल्टेज आता है। यहाँ जो कंडेंसर लगा हुआ है 68 MFD 400 वोल्ट लगा हुआ है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि ये ज़्यादा वोल्टेज का आप डालें, 450 वोल्टेज का कंडेंसर आप यहाँ पर डालें, क्योंकि वोल्टेज अगर बढ़ता है तो कंडेंसर बहुत जल्दी फट जाएगा। ये हमने देखा है जब PFC ज़्यादा आने लगता है या अनलोड हो जाता है, हम उसका इग्निटर बोर्ड वगैरह निकालते हैं तो वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ जाता है वहाँ पे, तो ये कंडेंसर हीट हो जाता है। तो आप यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज का कंडेंसर डालें। तो सबसे पहले आपको इस फिल्टर पे सप्लाई चेक करना है, इस फिल्टर पे सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके लिए आप एक काम करें, कभी भी आप पावर सप्लाई रिपेयरिंग करते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि सीरीज में ही आपको सप्लाई रिपेयर करनी है। XRP की सप्लाई में एक प्रॉब्लम आता है कि अगर सप्लाई ओके भी है और हम सीरीज में लगाते हैं तो स्टार्ट में बल्ब जलता है, लेकिन कुछ थोड़ी देर के बाद में बंद हो जाता है। तो आप इसको 100 वाट के बल्ब या 200 वाट के बल्ब को सीरीज में रखिए और चालू कीजिए। अगर इस कंडेंसर पे वोल्टेज आ रहा है या आपका बल्ब जल रहा है, शॉर्ट दिखा रहा है, तो सबसे पहले शॉर्टिंग चेक कीजिए, शॉर्टिंग कहाँ है। अगर PFC में भी शॉर्टिंग आपकी होती है तो आपका बल्ब जलेगा और सप्लाई नहीं बनेगी। अगर इसके ऊपर 300 वोल्टेज आपका आ रहा है तो सबसे पहले आपको 300 वोल्टेज आ रहा है लेकिन इसकी आपकी LED नहीं जल रही है, सप्लाई नहीं आ रही, तो आपको SNPS रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको इसको SNPS ही रिपेयर करना रहता है। जब इसका PFC बंद भी रहेगा तो उसको आप इसका MOSFET वगैरह निकाल दें। जैसे इसका MOSFET देखिए मैंने निकाला हुआ है, इसका MOSFET शॉर्ट था, मैंने निकाल दिया है उसको। जब MOSFET हम निकाल देते हैं, इसका शॉर्टिंग निकल जाती है, तब सप्लाई ये कंडेंसर पे हमारा आ जाता है 300 वोल्टेज। अगर 300 वोल्टेज नहीं आता है, किसी को कोई फ़ोन करते हैं 300 वोल्टेज नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, ऐसा होता तो है नहीं, बहुत कम होता है। कंडेंसर ख़राब होने पे, फट जाने पे कभी कभी होता है, कंडेंसर ओपन हो गया तो ये DC वोल्टेज यहाँ कम दिखाता है, तो आप कंडेंसर चेंज कर लें। 300 वोल्टेज के आसपास, 290 हो या 300 हो, तो ये कंडेंसर वोल्टेज आ जाए। उसके बाद आपको सबसे पहले SNPS सर्किट इसका रिपेयर करना है। SNPS को पहचाने कैसे, ये देखिए जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है सेकेंडरी में, यहाँ पे देखिए आपकी जो वोल्टेज है 36 12, उसके प्राइमरी कंडेंसर प्राइमरी कनेक्शन के हिसाब से आपको जाना है। इसका प्राइमरी का कनेक्शन देखिए, एक ये पॉइंट सेंटर पॉइंट ड्रेन पे गया हुआ है MOSFET के, यहाँ एक MOSFET लगा हुआ है, इसके ड्रेन पे गया हुआ है, ये आपका SNPS का MOSFET है। और इसके सोर्स पिन से आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये देखिए IC जो 6 पिन की लगी हुई है SNPS की ड्राइवर है, LED ड्राइवर बोलते हैं इसको, SNPS के लिए लगी है। ये रेजिस्टेंस देखिए गेट से ग्राउंड है, लो ओम्स का, जैसे कि पावर लाइट में हमने बताया है। ये ऑटो कपलर है आपका। तो यही सर्किट में आपको देखना रहता है, अगर SNPS का प्रॉब्लम आता है कि ड्राइव आ रहा है नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप MOSFET को निकाल सकते हैं और उसके ड्राइव करेक्ट करके आप MOSFET डालिए। उसके बाद में वोल्टेज चेक कीजिए, ये वोल्टेज आ जाए उसके बाद में आप PFC को रिपेयर करेंगे। PFC वोल्टेज अगर काम नहीं करता है तो आपकी ये वोल्टेज एक कंडेंसर के ऊपर वोल्टेज आएगा या कम आएगा या नहीं आएगा, ये वोल्टेज आपको जब बराबर आ जाता है तो फीडबैक बराबर मिलने पे ये सप्लाई बढ़ता है। जब ये नहीं PFC काम नहीं करता है तो आपका ये वोल्टेज बराबर नहीं आता है, कम आता है या ब्लिंक होता है। तो सबसे पहले आप SNPS बनाएंगे, SNPS ओके होने के बाद में ही आपको PFC बनाना है। PFC आपको आप साइड में रख के पहले SNPS रिपेयर करना है, क्योंकि जब SNPS काम करेगा तो ही आपकी PFC काम करेगी। बहुत से फीडबैक, इसके फीडबैक भी उसी के थ्रू जाता है, इसी ट्रांसफार्मर का फीडबैक इसको भी जाता है IC को। तो आपको पहले SNPS बनाना रहता है। SNPS में देखिए सेकेंडरी में भी 2 डायोड लगे हैं, एक 12 के लिए एक 36 के लिए, ये शॉर्ट हो जाने पे भी आपका वोल्टेज नहीं आएगा, लेकिन उस कंडीशन में आपका कंडेंसर जो है वो चार्ज नहीं रहेगा। अगर कंडेंसर चार्ज रहता है आपका तो SNPS के प्राइमरी में ज़्यादा करके यही प्रॉब्लम रहता है। ब्लिंकिंग के लिए एक और प्रॉब्लम इसमें आता है, एक तो देखिए यहाँ पे 431 जो लगा है यहाँ पे, ये ख़राब होता है,
ये ऑटो कपलर ख़राब होता है। और ये ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग आपको मैं जो पावर लाइट्स में बताता हूँ, ये देखिए ये तो सप्लाई की है 300 की, उसके नीचे से एक वाइंडिंग दी हुई है, एक ग्राउंड है और एक पिन से एक रेजिस्टेंस और एक डायोड लगा करके ये आईसी के फीडबैक पिन पे जाता है। ये जो आईसी 6 पिन की आईसी है ये 63 के 43 ए है, इसमें तो ये इसका पिन नंबर होता है फीडबैक का, जो सप्लाई का पिन नंबर है उसी पे आता है 5 नंबर पिन पे, और 6 नंबर इसका ड्राइव का पिन रहता है आउटपुट का, 1 नंबर ग्राउंड रहता है इसका, 2 नंबर ऑटो कपलर पे जाता है और 3 नंबर इसका गेट से कनेक्टेड है। तो इस तरह से आप इसको SNPS पहले रिपेयर कर रहे हैं, कभी भी ये सप्लाई आए तो कंडेंसर पे वोल्टेज देखना है आपको, उसके बाद SNPS के लिए आपको इस आईसी का वोल्टेज देखना है, ड्राइव आने के बाद में MOSFET डालना है आपको, उसके बाद आउटपुट आ जाए लो आए हाई आए जो भी आए, ये ब्लिंक होता है कुछ भी है, तो उसके बाद आपको PFC चेक करना है। तो इस तरह से इस सप्लाई को आपको रिपेयर करना है। बहुत लोग पूछते हैं सप्लाई कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से चेक करें, कहाँ से देखें, तो ये आपको हम बता रहे हैं। और फिजिकल आपको देखना पहले देख लेना है, कुछ जला वगैरह है इसमें, कुछ मिसिंग है, कुछ टूटा है, तो वो सबसे पहले करना है। और SRP वगैरह सीखने के लिए आपको आना है, तो ये हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग है 15 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, लेकिन जो काम करते हैं उनके लिए ही है जो इससे संबंधित है इस लाइन से, बिल्कुल फ्रेशर के लिए 15 दिन में कुछ नहीं होता है, उनके लिए लंबा कोर्स करना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो ये काम करने वाले काम से रिलेटेड हैं, ये SRP वगैरह रिपेयर करते हैं या पावर लाइट TV वगैरह रिपेयर करते हैं, उनके लिए है 15 दिन का रहेगा वो। तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं, फी वगैरह की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। मेरा नंबर है 9324774742, ये इंदौर में रहेगी ऑफलाइन, और ऑनलाइन के लिए 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो आप रजिस्ट्रेशन कराएँ अपना कॉल करके। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम और कुछ जानकारी देंगे। धन्यवाद।